सो आई गेस तन्मय द साइड फ्रॉम वेजी भाजी और आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में हम लोग हैं क्राउन प्लाजा में. दिस इज़ माई रूम इन क्राउन प्लाजा जिसकी हालत अभी बहुत बेहाल हो रखी है क्योंकि अभी मैं सो के उठा हूँ. रात को बहुत ज़्यादा काम चल रहा था इधर और टीवी भी ऑफ कोर्स. तो एनीवे इसका पूरा आपको डिटेल्ड वीडियो कैसा है क्राउन प्लाजा का एक्सपीरियंस, कितना का रूम है, कैसी फैसिलिटीज़ है, क्या है, सब कुछ आपको मिल जाएगा ट्रैवलिंग बाजी की वीडियो में जो आई बटन में लिंक्ड होगी. इस वीडियो में हम लोग फोकस करने वाले हैं लग्जरी ब्रेकफास्ट बफे में. आज सैटरडे है, 6:30 से 11 बजे तक ब्रेकफास्ट बफे रहता है. फटाफट चलते हैं, टाइम हो रहा है 10:19, देखते हैं क्या मिलता है ब्रेकफास्ट बफे में, कितनी आइटम्स है, क्या टेस्ट है और कैसा रहता है. मैंने इस रूम के लिए पे किया आई थिंक अराउंड 4500, बट मेरे पास एक बहुत स्पेशल डिस्काउंट था जो सिर्फ वन टाइम ऑफर था. तो अगर आप ये बुक करेंगे विद लाइक सबसे सस्ता वाला स्टैंडर्ड रूम आप बुक करेंगे विद ब्रेकफास्ट बफे तो आपको 5200-5300 पड़ेगा, और अदरवाइज़ अगर आप ब्रेकफास्ट बफे यहाँ से खाते हैं तो आपको आई थिंक 1200-1300 रुपये का पड़ता है. सुपर एक्साइटेड टू ट्राई दिस क्रेजी ब्रेकफास्ट एट क्राउन प्लाजा. लेट्स गो चेक इट आउट. वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना आप लोगों ने अगर क्राउन प्लाजा का खाना ट्राई किया है कि नहीं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आउजो तो अब हम लोग आ गए हैं इनके ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट पे जहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट बफे मिलेगा. बहुत सारी वैरायटी है. हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेश फ्रूट से, 3-4 टाइप के तो फ्रेश फ्रूट्स ही है. फिर यहाँ पे अलग अलग टाइप के आलमंड मिल्क, सोय मिल्क, फ्रेश जूसेस, यहाँ पे आपके सीरियल बोल्स हैं, आपको मूसली चाहिए, आपको चौकोस चाहिए, व्हीट फ्लेक्स चाहिए, जो मर्जी. यहाँ पे चीज़ स्प्रेड है, अलग अलग टाइप के चीज़. फिर यहाँ पे फ्रेश योगर्ट, फ्लेवर्ड योगर्ट है, फलाना ढिमकाना. तो मैंने अपनी पहली प्लेट ले ली है. तो जैसे मैं हमेशा लग्जरी होटल की ब्रेकफास्ट की वीडियो में दिखाता हूँ, पहली प्लेट में मेरा हेल्दी खाना रहता है जिसमें मूसली रहता है, कट फ्रूट्स रहते हैं और बस यही सब है. अगली प्लेट में हम लोग चीज़ और बटर और वो सब छोटी मोटी चीज़ें, बेकरी वाली चीज़ें और छोटे मोटे स्नैक्स एक्सपेरिमेंट करेंगे. उसके अगले में मेन कोर्स और उसके साथ मोस्ट प्रोबेबली डेजर्ट या डेजर्ट्स अलग. वैसे जब मैं अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट कर रहा होता हूँ तो मैं एक और चीज़ लेता हूँ जो डिटॉक्स ड्रिंक होती है, जो बहुत कड़वी होती है बट स्टिल पेट के लिए बहुत हेल्दी होती है, बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होती है, तो मैं लेता हूँ. बट ऐसी कुछ चीज़ यहाँ पे नहीं थी. एनीवे आगे हम लोग अब चलते हैं. ये इनका एशियन सेक्शन है भाई साहब, मतलब मैं ब्रेकफास्ट बफे में एशियन सेक्शन बहुत कम देखने को मिलता है. सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है हाका नूडल्स और ये चिली गार्लिक सॉस समथिंग, और ये मतलब ड्रैगन बॉल जी की जो फैन है, गोहान कहते हैं इसको, पता नहीं क्यों कहते हैं, क्यों वाइट राइस है बेसिकली, स्टिकी राइस. और ये सारा नॉनवेज था तो मैंने इसको कवर नहीं करा क्योंकि अपना चैनल प्योर वेजिटेरियन है बॉस. एशियन सेक्शन देख के मैं तो बहुत खुश हुआ. यहाँ पे लाइव काउंटर था जहाँ पे आप डोसा वगैरह का ऑर्डर दे सकते हो. वो पीछे वाली साइड नॉन वेजिटेरियन थी तो हम लोग वहाँ से आ गए हैं. यहाँ पे सारा मतलब थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा स्नैक्स वगैरह पड़ा हुआ था. वो बेसिकली इंग्लिश ब्रेकफास्ट था जो आपको पीछे दिखाया. अब ये इंडियन साइड पे आ गए हैं. यहाँ पे चटनी वगैरह, सांबर वगैरह, इडली के साथ जो आप खा सकते हो. सांबर होना इडली के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो भाई सांबर तो हमेशा रहता ही है. साथ में आपके पास पोहा है, उपमा, पूड़ी भाजी के लिए भाजी है, साथ में फ्रेश फ्रेश पूड़ियाँ बन रही थी. ये छोटे छोटे बाइट साइज समोसास हैं और ये एकदम बहुत ही अलग मेथी के आई थिंक ढोकले थे, और इसके साथ ये तो चटनियाँ ना बहुत बहुत कमाल की चटनियाँ थी. आगे जाके हम लोग जो खाएंगे ये बेसिकली सैलड सेक्शन है. आप यहाँ पे अपना दुनिया जहान की टॉपिंग्स के साथ आप अपना सैलड्स बना सकते हो, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ, लेटस एंड स्प्राउट्स. और पीछे की साइड पे है यहाँ पे हमारे पास डोनट्स वगैरह हैं, डैनिश है, फ्रूट डैनिश, ओट मफिन्स, ये रेड चेरी डैनिश. ये सब हम लोग डेजर्ट्स में खाएंगे. यहाँ बेसिकली ब्रेड सेक्शन है, स्वीट ब्रेड्स और रेगुलर ब्रेड्स, आपकी क्रुआसो हैं, आपके ब्रेड्स हैं, बागेट है, और साथ में बहुत सारे अलग अलग टाइप के एप्पल कॉम्पोत, मस्कमेलन कॉम्पोत, और ये सब मतलब जो आपकी जैम्स वगैरह रहती है वो सब है. आप ब्रेड्स यहाँ पे किसी भी अच्छे ब्रेकफास्ट बफे में आप ब्रेड्स अपनी अच्छे से टोस्ट करके खा सकते हो. उसके साथ ये आप टेक अवे सॉर्ट ऑफ टेक अवे टाइप की चीज़ होती है कि आपने एक चाय की टपरी ली, आपने दो पीस ब्रेड के खाए, अगर आप ज़्यादा जल्दी में हो तो खा के निकल लो. अब हम लोग
अपना खाना खाते हैं, क्योंकि हम लोग एकदम तसल्ली से खाने वाले लोग हैं। देखते हैं क्या लेते हैं मेन कोर्स की प्लेट में। दिस इज़ माई सेकेंड प्लेट। इसके अंदर थोड़ा सा अब पहले एकदम हेल्दी हेल्दी खाना खाता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा अनहेल्दी और मतलब थोड़ा स्टार्टर्स और थोड़ा चीज़ और उसकी तरफ बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास तीन चीज़ें, दिस इज़ ब्री, दिस इज़ शेडर, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, दिस इज़ प्लूम्स और दिस इज़ एप्रिकॉट, दिस इज़ प्लूम्स। अपना किशमिश बादाम चीज़ के साथ कॉम्प्लीमेंट्स रहते हैं, चीज़ के साथ खाओ बड़ा मज़ा आता है। दिस इज़ ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड, इसके अंदर ये एप्रिकॉट वाला है, ये एप्पल वाला है, कॉम्पोट, और इसके अंदर ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, बट क्योंकि मेरे को था कि ये एक ही प्लेट में आ जाएगा सारा, तो ये अपना पालक ढोकला और ये समोसा, रेगुलर समोसा, यप लाइक अ रेगुलर समोसा, क्रेजी। सो दिस इज़ माई सेकेंड प्लेट, लेट्स स्टार्ट डिगिंग इन। फ्रेश ऑरेंज जूस, जूसेस में फ्रेश ऑरेंज जूस, प्रिजर्व्ड लीची जूस, वाटरमेलन जूस और फ्रेश गन्ने का जूस, तो मैंने ऑरेंज जूस लिया। भाई लेने तो मैं गया था मेन कोर्स की प्लेट, पर ये सारी चीज़ें देख के मेरा मन पिघल गया और फिर मैंने ये सब खा लिया। इन सब में मेरे को सबसे जो बढ़िया लगे थे ना, वो लगे थे समोसे और अपने पालक के ढोकले, मैं पहली बार खा रहा था, और जो चटनी का कॉम्बिनेशन था, चीज़ वॉज वेरी हाई क्वालिटी चीज़ जैसे एक्सपेक्टेड था क्राउन प्लाजा के साथ, मतलब ब्रेकफास्ट इज़ नॉट डिसअपॉइंटिंग एट ऑल। इसमें सांभर है, इडली है, दोनों चटनियाँ हैं, नारियल टमाटर, और ये पूरी भाजी की भाजी है, पूरी अभी बन रही है। इधर अपने लिए भी है डेजर्ट प्लेट। सो डेजर्ट प्लेट में वी हैव चॉकलेट ब्रेड, वी हैव स्वीट डानिश ब्रेड, वी हैव एगलेस वॉफल, जो तभी इतने उसमें मतलब ये स्पेशल रिक्वेस्ट पर बने तभी इतना गड़बड़ बने, सम व्हिप्ड क्रीम एंड सम दीस। अगर आप एक पक्के वेजिटेरियन हैं और आपको वॉफल्स का शौक है, तो आपको पता होगा एगलेस वॉफल्स ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। ब्रेकफास्ट बफेस पे पड़े होते हैं वॉफल्स, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ तो सब बोलते हैं नहीं बन पाएंगे। इन्होंने बनाए बिना एक के, थोड़े से वॉफल्स जो होते हैं ज़्यादा फ्लफी नहीं बनते, इसलिए ऐसे बने हैं, बट आई एम रियली हैप्पी उन्होंने एटलीस्ट ऑप्शन दिया। पूरी आर आल्सो हियर एंड लेट्स स्टार्ट डिगिंग। हमारी पूरी, इडली, दोनों चटनियाँ, भाजी और सांभर, सुपर कॉम्बिनेशन। ये मैंने अपना मेन कोर्स में लिया है, वहाँ पे एशियन भी था मेन कोर्स में, बट मैं एक पक्का इंडियन, मेरे से एशियन खाया नहीं जाता, तो मैंने पूरी भाजी ली है और नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन का मिक्स लिया। आई मीन ब्रेकफास्ट में एशियन नहीं खाया जाता, वैसे मुझे एशियन बहुत पसंद है। पूरी बहुत बढ़िया है, पूरी बहुत फ्लेवरफुल है, भाजी बहुत ओकेश है, बहुत ही ज़्यादा मसाले नहीं है, माइल्ड सी है। थैंक यू, पूरी बहुत मस्त है, भाजी सोसो है। अच्छा, आप लोग काफ़ी लोग कमेंट करते हो कि आपको साउथ इंडियन खाना पसंद है, ये है वो है। मैं साउथ इंडियन खाना ब्रेकफास्ट बफेस में आपको इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि बहुत लाइट होता है और बहुत अच्छा रहता है। अगर आप सुबह सुबह साउथ इंडियन खाए, पेट ज़्यादा भर भी जाता है और ज़्यादा हैवी भी नहीं रहता, तो अभी हम लोग इडली खाते हैं। तो ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने स्टार्ट करा अपना हेल्दी खाने से, जिसके अंदर कट फ्रूट्स वगैरह थे, मूसली वगैरह खाई हम लोगों ने, एक और टाइप की मूसली खाई जिसके अंदर एकदम गाढ़ी गाढ़ी ओट्स जैसी थी, बहुत क्रेजी सा था और बहुत सही कॉम्बिनेशन था। फिर हम लोगों ने चीज़ प्लाटर लिया अपना, चीज़ उसमें डाली, तीन अलग अलग टाइप की चीज़ डाली उसमें, चीज़ का कॉम्प्लीमेंट्स आपके प्लूम्स, एप्रिकॉट्स और आलमंड्स और रेजन्स वगैरह डाले। उसके साथ हम लोगों ने अपना देसी गुज्जू खाना खाया, ढोकला था बेसिकली, पालक ढोकला जिसमें कड़ी पत्ता बहुत भर भर के डाला हुआ था, और समोसे थे और चटनियाँ अपनी भर, एकदम टिपिकल इंडियन, और उसके साथ होल व्हीट ब्रेड जिसके अंदर एप्रिकॉट और एप्पल कॉम्पोट था, बहुत सही था वो भी। तो मतलब फाइनल इस पे आए जिसमें पूरी भाजी और इडली सांभर खा रहे हैं। एशियन भी था बट मैंने एशियन खाया नहीं क्योंकि सुबह सुबह मेरे को एशियन मतलब एक टिपिकल इंडियन का मन नहीं भरता जब तक वो इंडियन खाना नहीं खाता, इसलिए ये। और फिर डेजर्ट प्लेट में फाइनली हमारे पास है वॉफल्स है, चॉकलेट पफ्स है, डैनिश पेस्ट्री है और मेपल सिरप है बिकॉज वॉपल, और एगलेस है। यहाँ पे क्या है क्योंकि ये अहमदाबाद है, यहाँ पे हर चीज़ मेजॉरिटी एगलेस है। आप किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में भी चले जाओ ना, सब कुछ प्योर वेज होगा, और यहाँ पे भी ऐसी है, यूजुअली क्या होता है वेज और नॉन वेज सब एक साथ में होता है हर फाइव स्टार में, हर होटल में।
अहमदाबाद है क्योंकि गुजरात है, यहाँ पे क्या है नॉनवेज का इतना छोटा सा काउंटर है और पूरा सारा वेजिटेरियन है। वो चीज़ देख के ना मेरे को बहुत मतलब ऐसे खुशी सी हुई कि मतलब जैसे होता है ना ये कभी बार वेजिटेरियंस के साथ होता है, इतना सा वेज का काउंटर होता है बाकी सारा नॉनवेज होता है, आज उल्टा हुआ। प्राउड फीलिंग आ रही है अहमदाबाद में आके। सारा खाना अच्छा था, वॉफल्स लग बड़े फिसड्डी से रहते थे, बहुत कमाल के। ऑल फूड इज़ डन, पीछे भी सब क्लियर हो चुका है क्योंकि अभी आई थिंक 11:15 हो गया। 11 बजे वीकडेज पे, सैटरडे संडे पे 11 बजे ये किचन बंद कर देते हैं और 10:30 बजे रेगुलर डेज पे। मस्त खाना हो गया, बाहर रूम में जाके बात करते हैं, बहुत सारे खाना वाना हो गया। तो एक छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश करी मैंने, आपको दिखाने की कोशिश करी कैसा रहता है खाना क्राउन प्लाजा का। बहुत ही क्रेजी खाना था, ब्रेकफास्ट से लेकर डेजर्ट्स तक। ब्रेकफास्ट में काफ़ी सारी आइटम्स थी, ब्रेड्स थी, ब्रेड्स एक तो टोस्टेड ब्रेड अलग थी और फिर बागेट आपकी और सार्डो ब्रेड और वो सब आपका अलग काउंटर था, पूरा अच्छे से एलैबोरेट था। डेजर्ट्स में भी ऑलमोस्ट सही था, डेजर्ट का स्प्रेड भी हयात लुधियाना का स्प्रेड जो था ना, ओए होए होए, मतलब बहुत ही कमाल का था। बट क्राउन प्लाजा का भी स्प्रेड काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सारी चीज़ें थी। एक यहाँ पे मेरे को जो नई चीज़ देखने को मिली वो थी एशियन खाना था पूरा, मतलब नूडल्स वगैरह जैसे मैंने आपको दिखाया वो सब भी पड़े हुए थे यहाँ पे। मतलब आई जस्ट लव गुजरात फॉर दिस फैक्ट कि यहाँ पे सारा खाना मोस्टली वेजिटेरियन ही मिलता है, लाइक 95%, कुछ लोग 99% भी बोलते हैं वेजिटेरियन ही मिलता है। ऐसा खाना का तो बहुत पसंद आया। एज अ प्रॉपर्टी कैसा लगा वो आप ट्रैवलिंग बाजी की वीडियोज़ में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे। तो अब मैं आराम करता हूँ थोड़ा सा इस शानदार व्यू के साथ। ओहो क्या कमाल का शानदार व्यू है, थोड़ा सा आराम करता हूँ। मैं तन्मय फ्रॉम विजी बाजी आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत स्पेशल वीडियो आने वाली है, स्पेशल वीडियो आने वाली है अहमदाबाद की, सबसे बढ़िया जैसे कहते हैं ना सबसे एक तो होती है सबसे फेमस होती है, सबसे टेस्टी होती है और एक होती है सबसे लग्जूरियस थाली अहमदाबाद की हम लोग खाने वाले हैं, वो भी वीडियो आएगी। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में, जैसे गुजराती में बोलते हैं आउजो माने वापस आना। आपका और मेरा साथ बना रहेगा तो हम लोग काफ़ी आगे तक जाएंगे। आउजो।